गई है कि भगवान का नाम पूर्ण रूप से हमें शुद्ध कर देता है। और जो पवित्र कर देता है। गंदगी क्या है? जिस प्रकार से अगर कोई बच्चा है और चप्पल खाने लगे समझ रहे तो क्या बोलेंगे उसको? पागल है क्या? बुद्धि नहीं है क्या? मतलब सुअर भी तो खा रहा था, हम भी खा नहीं पीते, हम सुअर है क्या? तो वैसे ही इसको क्या बोलेंगे? मन के अंदर गंदगी है कि अरे पागल है, उसको बुद्धि नहीं है क्या खाना है? लेकिन जब भगवान का नाम लेते हैं तो अपने आप क्या होता है? मन शुद्ध होने एहसास से बोलता है कि भगवान का नाम भी भक्तों के संग में लेना चाहिए। भक्तों के संग के बिना भगवान का नाम का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक व्यक्ति थे, कल एक वक्त बताया कि वो बाजार में गए तो घी की दुकान थी, तो उन्होंने पूछा कितने करके घी है? उसने बोला 1750। गाय का घी था, गाय के दूध का घी था। बोला 1750 तो देसी गाय का है कि जर्सी गाय का? बोला इतना आपको, इतना हम आंसर को उस क्वेश्चन से आंसर नहीं देने वाले, आपको खरीदना खरीदन भाग गया खरीदना खरीदन है। तो इतना हम जो आता है उसको जानकारी होती है, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? बोले देखिए उनका डायरी में वृंदावन लिखा हुआ था, वृंदावन फिर भी देखे इनके घर में कंटी था। तो बाद में देखा कि भक्त जब भक्त होगा तो देखिए सबसे तो नहीं बताता हूँ आपका, आप ऐसा आपको बोल देता हूँ कि हम पूरा फ्रस्ट्रेटेड हम क्या है पूरा जीवन में हमारे पास करोड़ों रुपया है। एक लड़का कनाडा में जाके लड़की अपने वाइफ के साथ सेटल हो गया है, दूसरा लड़का वो भी कहीं तो है, मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है। कोई तो 2 महीने से गायब है अपनी बहन के साथ, कहाँ है मेरे को पता सही से। तो हमारा दुकान से बहुत पैसा कमाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो गए। हम रोज नाम नाम लिखते, मतलब ने तुम्हारा जितना वेट होगा ना उससे ज़्यादा वेट का हमने नाम नाम लिख दिया, इतना इतना लिख दिया। तो नाम नाम लिखते रहता है, बोला हम इतने साधु से मिला, ये मिला, वो गया, इधर गया, उधर गया। इन कंक्लूजन बोलता है ये सब बेकार है, फिर भी नाम नाम लिखता है। वृंदावन भी गया 5 बार ये वो, लेकिन बिकॉज उसको सही से जब तक प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हरिनाम से उतना फायदा। हरिनाम में एक प्रॉब्लम है, उसको बोलते तत्व विभ्रम। हम लोग जब करते हैं लेकिन गुरु वैष्णव के संरक्षण नहीं करते हैं, तो हम हरिनाम जब करते हैं भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने के लिए, जब पता चल जाए हम शरीर में आत्मा है भगवान के अंश, भगवान को सुख देने समय हम जब करते हैं भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में। नहीं तो हम जब करते हैं लेकिन मन में सोचते हैं कि हमें कुछ भौतिक चीज़ें मिल जाए, तो इसको बोलते हैं नाम अपराध। बोलते हैं भौतिक आसक्तियाँ बना के रखना। जब जैसे भगवान के नाम से हम अरबों खरबों करोड़ों भगवान को प्राप्त करते हैं, आप क्या ले रहे हो उसे केवल? भारत में लाखों लोग नाम जप करते हैं लेकिन चूंकि गुरु वैष्णव के संग में नहीं करते, बिना कोई ट्रेनिंग के करते हैं, इसलिए उनको उतना लाभ और कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इतना सुंदर प्रभुपाद जी के संरक्षण में हमें इतनी सुंदर पुस्तकें दी हैं, इतना भागवत इतना सुंदर ग्रंथ है, इसमें पता चलना चाहिए क्या मांगना चाहिए क्या नहीं मांगना चाहिए। तो प्रायः लोग
भगवान का नाम तो लेते हैं लेकिन उनसे विषय भोग ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? विषय भोग ही मांगते हैं। इसीलिए हमने उपाय में सिखाया, न जन्म न जन्म न कविताम बाय जगदीश, कि हमें न धन चाहिए न जन चाहिए न सुंदरी, हमें केवल भगवान को खुश करने की इच्छा। अगर भगवान खुश करना चाहते तो आत्मा तृप्त हो जाती, इसलिए हम भी जब भी करते हैं यही चिंतन करना चाहिए, ये गोविंद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए और कुछ नहीं। इस चेतना से हमें भगवान को पुकारना चाहिए प्रेम से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम राम। अब अब तो संग में करना चाहिए, थ्योरी तो जाननी चाहिए लेकिन जब संग में करते हैं, जो लोग रैली में उस चेतना को लाने का प्रयास करते हैं तो उसमें ज़्यादा फायदा। ये भक्ति करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, अलग अलग स्तर आते हैं, जिसे भगवान का लोभन देंगे तो हम भक्त संग में भक्ति कर देते रहे, वो जो उससे आकर्षित नहीं है तो हम क्या होते अकेले रहेंगे, आपको प्रलोभन आएगा आप ले लेंगे। यहाँ पे सब 100 भक्त जो प्रलोभन आए तो नहीं लेता, अब हम ही कहें है कि नहीं। इसीलिए भक्त संग भक्ति करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारा भाग्य है वो इतने सारे भक्तों के साथ में, बड़ी सिंसियर भक्तों के साथ में, जिनका जीवन का लक्ष्य भगवान को खुश करना, ऐसे भक्तों से हमने भक्ति किया। जब के समय एक बहुत इम्पोर्टेंट भाव है ग्रैटिट्यूड का भाव, कितने भगवान कितना आपने कृपा किए मेरी कदम पर, मुझे आपने परिणाम दिया, भक्तों का संग दिया, इतनी ट्रेनिंग दी, इस प्रकार से भगवान की कृतज्ञता को स्मरण करते हुए आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, भगवान आपने कितनी कृपा की, और आंसू गिरते हैं कि मैं कितना अभागा हूँ, कितनी कृपाओं से ले ही नहीं पा रहा। नाम नाम कार्य बहुधा भगवान आप कितनी दया कर रहे हैं, एकदम आपने तब से एकदम क्या बोले, सब चीज़ को एकदम सिंपल बना दे रहे हैं, ईजी बना दे रहे हैं, मैं अभागा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ कुछ तो प्लीज़ प्रकार से हम भाव प्रकट करते हैं। भगवान आदम को बहुत खुश होते हैं, अंदर से कितनी जान करनी होती चाहिए, इस कृतज्ञता के साथ हम हरे नाम का जप करें, हमें बहुत दिल जान कर देती है। हरे नाम भी होती है।